हो पा रहा है, कोई ना कोई बीच में आ जा रहा है। लेकिन काम तो पूरा करके ही जाना होगा ना शाम। पैसा लिए तो करना ही पड़ेगा ना। तूने काम कर, अब की तू ट्राई कर। सुन, भीड़ को चीरते हुए जा और रंपुरिया से चीर दे साली को। जो नजर रखना, हम जरा जाके आ रहे हैं। अरे गीता दीदी, कहाँ चल दी? अरे वो पंकज को फोन लगाना है, सुबह से बात नहीं हुआ है। आते हैं थोड़ा पेट्रोल डाल के, भंगवा के गिलास में उधर ही रह गया है। आते हैं। बस हम यूं गए और यूं आए। जल्दी। बुरा ना माना भैया जी, होली है भैया। हाँ गीता बोलो। हैप्पी होली जी। तुमको भी हैप्पी होली। कहो सब ठीक ठाक? कहाँ कुछ ठीक ठाक है, आज ही का दिन मिला था ना आपको जाने के लिए। यार इस पे हमारा डिस्कशन हो चुका है। हाँ, मार्केटिंग हेड हैं, आपका कोई हॉलीडे वॉलीडे नहीं होता है, हॉलीडे के दिन भी नहीं। अरे बताए तो थे अमरीकी पार्टी है, उसको ना हमारी होली से कोई मतलब है और ना ही फैमिली से। अच्छा अनमोल क्या कर रहा है? अरे वो तो पगला गया है, सुबह 10 बजे से खेल रहा है। हम बस अभी ऊपर आए हैं। वैसे जतिन और रमा है, अनमोल उन्हीं के साथ है। चलो खूब एंजॉय करो। क्या एंजॉय करेंगे आपके बिना? वैसे वाराणसी कब पहुंचे? वो कल रात ही पहुंच गए थे। अच्छा सुनिए ना, जल्दी जल्दी से घर वापस आ जाइए ना, हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ हाँ आते हैं। अच्छा अभी फोन रखते हैं, मीटिंग का टाइम हो गया है। ठीक है बाय। बरसाला पार्टी का फोन आ चुका है, क्या करें? अब नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, अब कर जाने दे हम लोग, जो भी हुआ बता दो। हैप्पी होली सर जी। अरे हैप्पी होली का आचार डालें, तुम्हारे फोन का पागल की तरह से इंतजार कर रहे हैं हम। और फोन किसका आता है? हमारी घर वाली का। अला 1:30 बजने को यहाँ आया है और पूरी तरह से फेल कर गए हो तुम लोग। अरे सर जी अब तकदीरें फेल कर गया तो इंसान क्या करे, हम तो फुल तैयारी के साथ गए थे, चेहरा पर रंग भी लगा लिए थे, लोगों के बीच में घुस भी गए थे। अब कई बार गीता जी पे फायर करने की कोशिश की लेकिन कोई ना कोई सामने आ जा रहा था। अरे बहाने बनाना बंद करो। अरे साहब जी बहाना नहीं बना रहे, हम वही बता रहे जो हुआ है। हम तो स्टैंड बाई पे अपने साथ शरद को भी ले गए थे कि वो रामपुरिया से काम तमाम कर देगा, ये बेचारा गया भी लेकिन फिर वही हुआ। साहब जी भीड़ बहुत ज्यादा था वहाँ। अरे तो वो तो तुम पहले से जानते थे ना कि लोग होंगे वहाँ, तो फिर सुपारी लेते वक्त काहे हाँ कह दिए थे? अरे अब हो गया तो हो गया, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं आपको। अरे गारंटी तुम्हारी 2 पैसे की नहीं है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, तीसरी बार फेल कर गए हो तुम लोग। जतिन आओ बैठो, गुजिया खा लो, तुम्हारी मन पसंद अदरक और तुलसी वाली चाय भी बनाए। अरे वाह 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 वाह, ओ अनमोल रतन के बच्चे, रखो मारो मोबाइल, जाओ नहा वहा लो, थोड़ा इंसान बनो। हाँ ये शैतान कहाँ इंसान बनेगा, अरे बोल बोल के थक गए हैं और ये रंग लगा हुआ गीला कपड़ा पहन के भूत की तरह बैठे हैं। जय चलो तो चलो नहाने, चलो चल पीट देंगे तुमको, चलो। एक आदमी ने अपनी पत्नी के नाम की सुपारी दी हुई थी, पंकज द्वारा ये गीता को मार डालने की तीसरी कोशिश थी जो नाकाम हुई थी। जगह तय हुई, वक्त तय हुआ, पर ना गोली चल पाई और ना ही रामपुरी छुरा। आखिरकार क्यों ये कोशिशें नाकामयाब हुई?
शरद, जैसे ही हम गोली दागें फुल स्पीड के साथ गाड़ी भगाना, उल्टा साइड से। ठीक है भाई, तुम घोड़ा दबाओ। कहाँ गई रे? शरद, शरद रिवर्स ले, जल्दी ले। अरे क्या कर रहा है, ले ना पाछी। अरे कैसे ले, वो स्कूटर वाला साला गोंद लगा के लगता है जगह पे चिपक गया, क्या करें। ए भाई ये, अरे हटाओ ना यार, गाड़ी कहाँ से आ जाते। ये काहे अपना गला फाड़े हो भाई, आगे उतना जगह है, उधर से काहे नहीं जाते हो। भाई आगे नहीं जाना है, पीछे करना है गाड़ी। पीछे करना है? ये हम अपना स्कूटर यहाँ से हिलाने वाले नहीं है, ये हमारा फिक्स जगह है, हम यही पार्क करते हैं, बुझे। ऐसा भाई, साला लतखोर आदमी, एक काम करो यहीं से ठोक दो। शरद गाड़ी घुमा, यू टर्न मार। उड़ गई चिड़िया। पहली बार गीता को बाजार की भीड़ ने बचा लिया था, अब हत्यारों ने नई जगह चुन ली। यहां भीड़ नहीं होगी शाम, स्कूल से अनमोल को लेने के बाद वो दोनों गली में अकेले होंगे। इस बार काम हो जाना चाहिए, इस बार तुम चूक नहीं सकते, लेकिन खबरदार हमारे बेटे पर कोई आंच ना आने पाए। शाम, हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर फायर नहीं करो। बुरा गया होगा, साले एक बार खाली जा चुका है हम लोगों का। वार हुआ ही कहाँ है, हाँ बात मानो हमारी, यहाँ फायर करोगे तो शोर होगा, शोर होगा तो साला खतरा होगा। एक काम करते हैं ना, फिर हम पूरी से काम तमाम कर देते हैं, काम का काम हो जाएगा और ना ही शोर ना ही खतरा, क्या समझे। बात तो ठीक कह रहे हो तुम, ठीक है चलो रामपुरी ही सही। सुनो गली में घुसने तक पीछा करते हैं। ठीक बा। बज गई घंटी। गियर में डाल दे शरद। दत्त तेरी की, ये तो गाड़ी में बैठ गई। कोनो बात नहीं, पीछा कर, कहीं ना कहीं तो उतरेगी, जहां उतरेगी वहीं चीरे डालेंगे इसको। कहाँ उतरेगी ये? कहाँ मालूम ससुरी कहाँ उतरेगी। उतरे का भांग खा लिया करे, साला दिखता नहीं वॉचमैन खड़ा है वहां पे। तकदीर फिर से गीता पर मेहरबान हुई, पर गीता को भनक तक नहीं थी कि कोई उसकी जान का प्यासा है और उसको निशाना बनाने के लिए उतावला होता जा रहा है। सर जी पिछला दोनों बार जगह और समय आप ही ने बताया था,
और तीसरा बार भी। अब अगर तीनों बार वो आपकी मिसेज बच जा रही है तो इसका मतलब ये है कि उसका भाग बहुत तगड़ा है। हमारे मिसेज का भाग तगड़ा नहीं है, तुम लोगों का साला काम कमजोर है, निकम्मे हो तुम लोग साले। और आज तो हम तुमको पूरा चांस दिए थे ना, हाँ, खुला मैदान, होली का शोर, रंग वंग सब, क्या किए तुम? और हमने क्या क्या पापड़ नहीं बोले यहां तक आने में, घर से निकले वो भी होली के एक दिन पहले। अरे क्या बात हुई पंकज, ये वाराणसी का प्लान कब बना लिया? अब जानते हैं ना कल होली है। अरे पता है, हमने बहुत कोशिश की बॉस से बात करने की, लेकिन उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट कर दिया हमसे। अब काम तो सबसे पहले आता है ना, नए नए मार्केटिंग हेड बने हैं कंपनी के, और ये जो अमेरिकी पार्टी है ना, सबसे बड़ी क्लाइंट है हमारी कंपनी की। लेकिन छुट्टी के दिन कोई काम करता है, पूरा देश छुट्टी मनाता है। लेकिन कुछ लोग करते हैं, जैसे बॉर्डर पे सिपाही। अरे आप ऐसे ही समझ लो कि तुम्हारे पतिदेव वो बॉर्डर के सिपाही की तरह ही हैं, अपने फैमिली के फ्यूचर की रक्षा करने के लिए होली के दिन भी काम कर रहे हैं। अरे सोसाइटी का सारा लोग होगा, और फिर तुम्हारा भाई जतिन और रमा भी तो आ रहे हैं। अनमोल बहुत एंजॉय करेगा। आपके बिना बहुत उदास रहेगा, मिस करेगा आपको। गीता, ये हमारी लाइफ की आखिरी होली थोड़ी ना है, अगले साल भी तो होली आएगी। तुम लोगों को इस काम का और कितना चांस चाहिए बे? ये गीता की आखिरी होली होनी चाहिए थी। अरे सर जी, ये गीता जी की आखिरी होली थी, वो अब अगली होली नहीं देखेंगी, हमारा प्रॉमिस है। इस काम का अच्छा खासा पैसा हम तुमको पहले ही दे चुके हैं, और हर बार तुम फेल कर गए हो। अब और एक दमड़ी नहीं मिलेगा तुम्हें, ये तुम सोच लो, और हमें तो फुल और फाइनल बता दो, ये चौथी और आखिरी बार होगा। तुमसे बन पाएगा या ये काम हम किसी और को सौंप दें? अरे सर जी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, और वही नियम जो है गेम बजाने का भी होता है। सर जी, हमेशा की तरह हम लोग तैयार रहेंगे, लेकिन इस बार आप ऐसी जगह चुनिएगा जहां तीसरा कोई ना हो। उसके बाद बता रहे हैं आपको, भौजी के 13वीं पे ही मिलेंगे आपसे। सो गई थी का? नहीं, आपके आने की जाप जप रहे थे। गुस्सा है हम आपसे। अरे श्रीमती जी, हम आपका गुस्सा ठीक करने का प्रोग्राम बनाकर लौटे हैं। नहीं सुनना है हमें कुछ, और वैसे भी आप वाराणसी से थक कर आए हैं। लीजिए, जाइए, नहा धोकर खाना खा लीजिए और आराम कर लीजिए। सुनो, हम क्या सोच रहे हैं कि इस वीकेंड पर ना नालंदा चलते, सुबह सुबह जाएंगे, दिन भर पिकनिक मना के रात को लौट आएंगे। तुम्हारे भैया जतिन और रमा भाभी को भी ले लो, वो दोनों भी साथ में रहेंगे तो मजा डबल हो जाएगा हमें लगता है। क्या कहती हैं श्रीमती जी, कैसा रहेगा? क्या बात है, आज आप बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं। गीता, वो हमारा ना तुम्हारे साथ क्या कहते हैं उसे, क्वालिटी टाइम, वो बिताने का मन कर रहा है। हमारे बीच में तो हर टाइम क्वालिटी टाइम है जी, बस एक ही बात का एहसास होता रहता है कि हम लोगों की लाइफ में टाइम कितना कम है, लेकिन जितना भी है बस प्यार से निकल जाए। क्या बात है दीदी, ये जीजा जी का सुझाव था? हाँ हाँ जतिन, वो बहुत ही अच्छे मूड में है। हाँ वो तो अच्छी बात है, लेकिन अचानक से इतने बदल कैसे गए? तो ठीक है ना जतिन, अच्छी बात है, हम तो बहुत ही खुश हैं। अच्छा वैसे तुम लोग आ रहे हो ना नालंदा? हम एक बार बस रमा से पूछ लेते हैं, वैसे भी अगले सैटरडे हमारा ऑफ है। बढ़िया रहेगा, बहुत मजा आएगा। हमें लगता है कि हमें गीता दीदी के साथ जाना चाहिए, उन्हें अच्छा लगेगा ना? भाई मुझे अच्छा लग रहा है कि गीता और दामाद जी के बीच मामला सुलझ रहा है। जब बच्चा हो जाता है ना तो शादी का पूरा मतलब ही बदल जाता है। एक दिन के लिए, तीन दिन के लिए क्यों नहीं? तीन दिन क्यों? क्योंकि तीन एक से बड़ा होता है, एक से भले तीन। अच्छा, हम कार से जाएंगे? हाँ कार से जाएंगे। हम कहाँ कहाँ जाएंगे? अरे बाबा, जब शाम में पापा आएंगे ना तब उन्हीं से पूछ लेना कि हम नालंदा में कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, ठीक है? सब उन्हीं की प्लानिंग है। अभी का प्लान ये है कि हम लोग पटना के बाहर जा रहे हैं, अब कहाँ मारना है, कैसे मारना है ये हमें सोचना है। तुम लोग बस उतना ही करो जितना तुम्हें करने के लिए कहा जाए। ठीक है सर जी। हाँ इस बार वार खाली नहीं जाएगा, हम पूरा प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग तुम नहीं, हम करेंगे शाम। तुम्हारा प्लानिंग पहले ही तीन बार फेल कर गया। ये बार बार तीन मौका चूकने वाली बात अगर दोबारा ना करें तो ही अच्छा है। ये मत भूलिए कि चार लोगों को ऑलरेडी मार चुके हैं हम, और हर काम में ऊंच नीच हो जाता है। अब हम सही बता रहे हैं, एकदम टेंशन मत लीजिए।
जिसके साथ सात फेरे लिए थे उसे मार डालने की तीन कोशिशें नाकामयाब होने के बाद पंकज अब चौथी कोशिश करने चला था। लेकिन इस रिश्ते का, इंसानियत का फेलियर कहां और क्यों हुआ था? 6 साल पहले अग्नि के सामने जिस पंकज ने गीता की रक्षा करने की कसम खाई थी, आज वो क्यों उसे जान से मार डालना चाह रहा था? गीता के खून का प्यासा पंकज कभी उसके प्यार में भी था। 2006 में हुई ये लव मैरिज 1 साल के अंदर ही डगमगाने लगी। कंग्रेचुलेशंस, गीता प्रेग्नेंट है। अभी 1 महीना हुआ है, अब 8 महीने और इंतजार करना होगा। अरे ऐसे कैसे वही रहेगी तू? देख बेटा, आखिर के 3-4 महीने ना बहुत भारी होते हैं। नहीं नहीं नहीं, तू यहीं रहेगी हमारे पास अपने मैके में। हाँ मम्मी, हम समझ रहे हैं, लेकिन एक तो हम इनको छोड़ के नहीं आना चाहते हैं, और दूसरा यही हमको नहीं जाने देंगे। मम्मी जी से कह दो 3-4 महीने तो दूर, हम तुम्हें 3-4 घंटों के लिए भी अपने से दूर नहीं जाने देंगे। सुनिए आप, लीजिए आप बतियाई अपने जमाई राजा से, लीजिए। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम बेटा। अरे मम्मी जी, आपका पहला नाती या नातिन आ रहा है, तो हमारा भी तो पहला ही बच्चा है ना जी। मतलब आप कह रहे हैं कि हम आपकी बिटिया की देखभाल ठीक से नहीं कर सकेंगे? नहीं नहीं बेटा, हम ऐसे नहीं कह रहे, लेकिन गीता को एक औरत की मदद तो लगेगी ही ना। अरे हाँ, तो ठीक है ना मम्मी जी, आप यहाँ आ जाइए, रहिए हमारे पास आकर। हाँ लेकिन गीता के पापा तो हमें आने नहीं देंगे। अब पापा जी जो हैं वो अपनी पत्नी को अपने से दूर नहीं जाने देंगे, तो भला हम अपनी पत्नी को अपनी नजरों से दूर कैसे रहने दें? अब हम आपसे कैसे बहस करें बेटा। अरे कैसी बात कर रहे हैं मम्मी जी, आप बीच बीच में आते रहिएगा ना, बस गीता हमारे पास ही रहेगी, ये बात फिक्स है। हाँ हाँ, हमें क्या प्रॉब्लम होगी, आप निशा से पूछ लीजिए जी। प्रणाम मम्मी जी। मम्मी निशा के बारे में क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुम्हारी जो कजन निशा है ना, वो अगर यहाँ आकर रहे तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं। भाई हमें क्या दिक्कत होगी भला? हाँ मम्मी, पहले भी बात की थी हमसे निशा के बारे में, तो बुलवा ले निशा को। भाई देखो, तुम्हें जो करना है ना वो करो, बस हमसे दूर जाने की बात सोचना भी मत। नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है गीता दीदी के साथ रहने में, और वैसे भी शादी के बाद से हम अब तक मिले नहीं है ना उनसे। देख बेटा, सबसे ज्यादा जरूरत ना आखिर के 4 महीनों में लगेगी। हाँ हाँ बड़ी मम्मी, हम समझ रहे हैं, आप टेंशन ना लो, हम चले जाएंगे तब। तूने अपने मम्मी पापा से बात कर ली? जी बिल्कुल, हमने बात कर ली मम्मी से, वो तो बड़ी खुश थी, कह रही थी इसी बहाने तुम्हारा ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा। चलो अच्छा, जब तेरी बारी आएगी ना तो गीता को हम तेरे पास भेज देंगे। जी बिल्कुल, प्रणाम। निकले हो? बेटा अगर बस स्टैंड तक छोड़ देंगे तो ऐसी क्या दिक्कत है उसमें? पापा दिक्कत तो आपको हो जाएगी ना, खामा खामे ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। दिक्कत तो ये है कि हमारी बिटिया पहली बार बेगूसराय से पटना जा रही है, वो भी अकेले, वो भी 4 महीने के लिए। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में तो चांद तक दूर नहीं, आप हमारी टेंशन ले रहे हो, और पंकज जीजा जी है ना वो आ रहे पटना स्टेशन लेने हमें। पर हर 10-15 मिनट पर हमें SMS करते रहना। बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हो क्या गया आप दोनों को? 22 के हैं हम, 12 के नहीं, आप इतना टेंशन ना लो, हम पहुंच जाएंगे ठीक से। आओ चलिए पापा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कैसे याद नहीं है, हम ही चुराए थे आपके जूते, फिर हम ही लौटाए थे, पूरे पैसे भी नहीं दिए थे आपने, पर टेंशन ना लो, इस बार ना पूरी वसूली करके जाएंगे। हलवा पूरी समझे कहा हमें, हम कहाँ मांगे थे अपने जूते आपसे? भाई पहले तो आप खुद ही हमारे जूते चुराई, और उसके बाद खुद ही भीगी बिल्ली बनके हमको लौटा गई, तो हम कहाँ दे पैसे आपको, बोलिए। अच्छा जी, तनिक अपनी बीवी जो है ना हमारी गीता दीदी, उनसे पूछिएगा कितने प्लीज प्लीज किए थे उन्होंने, तब जाके लौटाए थे हमने आपके जूते। अच्छा अच्छा ठीक है, बोलिए क्या चाहिए आपको, दिला देंगे। हाँ वैसे सोच समझ कर मांगिएगा, पूरे 3 महीने बिताने आपको हमारे साथ, उसकी फिक्र आप ना करें जीजा जी, हम सोच समझ कर ही मांगेंगे। निशा तुम और पंकज मिलके ना हमको बहुत बिगाड़ दिया हो, इतना आलसी बना दियो ना कि क्या कहें। अरे दीदी बस कुछ ही दिन है, एंजॉय कर लो, एक बार बेबी आ जाएगा ना लाइफ में, फिर तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, और हमारे ग्रीट जीजा जी वो तो छुट्टी लेने से रहे। तो फिर तुम्हारे बिना कैसे चलेगा? अरे हमें परमिशन की थोड़ी ना जरूरत है, आ जाएंगे बिना इनविटेशन के, जब तक हम हैं आप टेंशन ना लो। कहाँ हो तुम? वहाँ चाचा चाची जी लड़का देख रहे हैं तुम्हारे लिए। जैसे उन्होंने देखा और हमने हाँ कह दिया, लड़का पसंद आएगा तभी तो ना देंगे ग्रीन सिग्नल। वैसे निशा
बेगूसराय में तो कई मर मिट गए होंगे तुझ पर। दीदी ये मरने मिटने वालों को तो ना हम अवॉइड करते हैं। भाई आदमी हो तो ऐसा कि टिका रहे, स्ट्रॉन्ग। वैसे कोई मिला तुझे स्ट्रॉन्ग टिकने वाला? नहीं अभी तक तो नहीं, पर फ्यूचर में होगा तो होगा। आज भी आपका वेट करते करते सो गई दीदी। हाँ वो ऑफिस में मीटिंग थोड़ा लंबा चला। तुम काहे नहीं सो जाती? हम खुद ही खाना गरम करके खा लिए होते। हाँ हाँ खुद ही ले लिए होते खाना गरम करके। एक तो सारा दिन काम करके आएंगे, थक के आएंगे और ऊपर से गरम करके ले लेंगे हुँ? और हम घोड़ी की तरह सोए रहे, इसीलिए आए क्या यहाँ पर? ऐसा नहीं है, लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि रोजाना रात को तुम्हें हमारे लिए देर तक जगना पड़ता है, तो वैसे हमें पसंद है कोई हमें गरम गरम खाना परोस दे, लेकिन फिर भी क्या, हम सोच रहे थे कहीं तुम बोर तो नहीं हो गई हो। हम सिर्फ तब बोर हो जाते हैं जब दीदी वो घंटों घंटों तक ना रोने धोने वाली सीरियल देखती है। सच बता रहे एक मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। चलो ठीक है, कल ले चलते हैं तुम्हें शॉपिंग, और वो जूतों की वसूली भी तो बाकी है ना तुम्हारी। अच्छा जी, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही शरीफ बन गए? देखिए शॉपिंग वॉपिंग के मामले को ना हम थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले लेते तो सोच लीजिएगा लूट जाएंगे आप। अरे लूट लीजिए साली साहिबा, अगर आप हमें नहीं लूटेंगे तो भला कौन लूटेगा बताइए। अच्छा हाँ हाँ जा शॉपिंग पे अपने जीजू के साथ, अच्छे से शॉपिंग कराना उनसे, खूब चुना लगाना उनको। पर दीदी आपको ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं हम? अरे भाई तू नहीं जा सकते, हम प्रेग्नेंट हैं, कोई पेशेंट नहीं है। और वैसे भी ना दिन भर तुमसे चबड़ चबड़ करके ना हम तो बोर हो गए हैं, और पता है तुम भी बोर हो गई होगी। भगाना चाहती हो ना हमें, सब समझते हैं। समझती रहो। वैसे हाँ सुपर मॉल के बाहर ना एक बंसी कचौरी वाला बैठता है, उससे हमारे लिए एक मीठी और दो तीखी कचौरी लेते आना। पर जीजू तो कह रहे थे आपको तीखा खाना मना है। उनको लगता है ना कि हम तीखा खाएंगे तो बेटा या बेटी जो होंगे वो बहुत गुस्सेल होंगे। और वैसे तुमको इस बारे में सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम कह दिए कि हमारे लिए कचौरी लेते आना तो फिर लेते आना, और नहीं लेकर आई ना बेटा तो दोनों के दोनों पिटोगे हमसे बस। दीदी वो आराम से सो रहे। हाँ हमने कहा ना हम जा रहे हैं निशा। तीन बार ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, क्या आपको पक्का लगता है ये सही तरीका है? तो और कौन सा सही तरीका है निशा, बताओ ना और कौन सा सही तरीका है? ऐसा क्या करें कि हम गीता को छोड़कर तुमसे शादी कर सकें? निशा इस बार फेल नहीं होंगे हम, देखना तुम इस बार काम जरूर हो जाएगा। निशा इतवार को वो लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने, विकास को तो हम मिल ही चुके हैं। अच्छा है बॉम्बे सेटल्ड है, अच्छे से मिलोगी ना?
जी मम्मी, अच्छे से मिलेंगे। दरअसल गीता अपनी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाने से पहले ही ये भाप गई थी कि पंकज और निशा के बीच की नजदीकियां अवैध धागों में लिपटी थी और ये धागे साफ साफ नजर आ रहे थे। वैसे हम कभी कभी अचानक रात में जाग जाते हैं। क्यों, आजकल अपने छोटू की कराटे प्रैक्टिस शुरू हो गई है क्या? नहीं, इसलिए जाग जाते हैं क्योंकि हमें आपकी आवाजें सुनाई देती हैं और जब आंख खोलते हैं तब आप कमरे में नहीं होते। हाँ, वो पानी पीने के लिए जाता हूँ, आजकल प्यास बहुत लगती है ना, मौसम ही कुछ ऐसा है। मौसम ही कुछ ऐसा है, प्यास बहुत लगने लगी है आपको। अब कल से एक बोतल यहीं ला के रख लूंगा, वही ठीक रहेगा। हम खां, निशा के कमरे में जाकर पानी पीने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपको। आधा आधा एक एक घंटा पानी पीने का प्रोग्राम चलता रहता है। हम खां, वहां निशा परेशान और यहाँ हम कल ही निशा को यहाँ से चले जाने के लिए कह देंगे। क्यों, मतलब डिलीवरी बस अब होने ही वाली है ना? हमने मम्मी से कह दिया है। क्या क्या कह दिया मम्मी से? यही कि डिलीवरी के लिए यहाँ आ जाए। क्यों, आपको क्या लगा? वैसे हमें लगता है कि निशा अगर रुक जाती तो मदद हो जाती। किसकी मदद, हमारी या आपकी? हमने एक नाम सोचा था, अनमोल, फिर चाहे बाबा हो या बेबी, दोनों पे जाएगा, है ना? हाँ मम्मी जी, नाम तो बहुत ही बढ़िया है, अनमोल। ओ पंकज, हमें लगता है हमें बेगूसराय वापस चले जाना चाहिए, गीता दीदी सब जान चुकी है। निशा, अगर तुम चली गई तो हमारा क्या होगा? तो फिर आप ही बताइए ना, हमारे रहने से क्या होगा, बताइए ना क्या होगा। ज़माना खामा खाम मर्दों की फितरत को कुत्ते की दुम समझता है, पर ताली तो दोनों हाथों से बचती है ना, और थप्पड़ एक हाथ से, और उस थप्पड़ में सबसे ज्यादा दर्द होता है जिसमें हाथ नहीं उठता लेकिन सामने वाला नजरों से गिर जाता है, फिर वो कोई भी हो, कोई गैर, कोई अपना या अपनी बहन। सॉरी दीदी, हम बहुत शर्मिंदा है। नहीं नहीं निशा, शर्मिंदा नहीं हो तुम। अरे जिसे शर्म ही नहीं है वो शर्मिंदा कैसे हो सकता है? बेवफा कभी शर्मिंदा होते हैं भला? अरे उन्हें तो अफसोस रह जाता है कि अब तो चोरी पकड़ी गई, अब अफेयर कैसे होगा? नहीं नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा निशा, और सबसे जरूरी बात तो ये है कि तुम इस घर में दोबारा नहीं दिखोगे। हम आज के बाद आपके सामने कभी नहीं आएंगे। और हमारे पीठ पीछे पंकज से मिलोगे? नहीं, हमारी नजर तुम दोनों पे रहेगी निशा। एक बात तो तुम समझ लेना कि हम कोई अबला टाइप की नारी नहीं है जो चुप रह जाएंगे, सब कुछ सह जाएंगे, इतना शोर मचाएंगे ना कि वो हर आईना चूर हो जाएगा जिसमें तुम अपनी आंख मिलाना चाहोगे। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे निशा, सवाल ही नहीं उठता। पंकज, हम भी आपके बिना नहीं रह सकते, लेकिन क्या करें हम, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आता, बिल्कुल ब्लैंक से हो जाते हैं हम। ऐसा लगता है आंखों पे पट्टी बांध करना किसी अंधी गली में चल रहे हैं। Thank you.
हम बड़े सराफत से समझाए थे उसको कि पंकज से दूर रहे, लेकिन वो तो मानो एकदम कब्जा ही कर ली है। और ये सब कुछ तो अब हमें बता रही है बेटा। अरे किस मुंह से बताते हैं आपको मम्मी, हमको लगा था कि हम समझा दिए हैं तो शर्म के मारे दोबारा ऐसी गंदी हरकत नहीं करेगी। अनमोल 1 साल का हो गया है और ये दोनों अपनी बेशर्मी की पहली एनिवर्सरी मना रहे हमारे पेट पीछे। नहीं नहीं राज भाभी, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो मालूम करो मीना, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी का घर तोड़ रही है और किसी भी सूरत में हम ये होने नहीं देंगे। हम भी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे राज भाभी। कोई और नहीं मिला? अरे जीजा तो बड़े भाई के समान होता है, कोई बड़े भाई से इश्क लड़ाता है बेशर्म? सारा बिरादरी में थूथू होगी हमारी। तेरी शादी तो दूर, शर्म के मारे हमने जान दी ना तो क्रियाकर्म करने वाला ना होगा कोई बेगूसराय में। तुम्हारे बड़े मम्मी पापा को कैसे मुंह दिखाएंगे हम, कैसे उनसे आंख से आंख मिलाएंगे हम? तुम हमारी गर्दन नहीं झुकाए हो, तुम तो हमें जितते जिगाड़ दियो। हमने तो तुम्हें वहां अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था, तुम तो उसका विश्वास, उसका सम्मान, उसका घर सब तोड़ा है। मैं तो प्लान नहीं किए थे ना मम्मी, सेवा करने गए थे उनकी, पूरे दिल से की, लेकिन जो भी हुआ आपको नहीं मालूम कैसे उनसे प्यार हो गया और उनको हमसे। पापा वो तो हमसे शादी भी कर। तुम जो हरकत की हो ना, तुम्हारी जैसी लड़कियां शादी नहीं करती, एक के बाद एक घर बर्बाद करती है, तोड़ती है। आज अपनी बहन का तोड़ी हो ना, कल किसी दूसरे का तोड़ोगी। हम तो सिर्फ प्यार की है, अभी हो गया, हमें नहीं पता कैसे कब, पर अब हो गया है तू जा नहीं रहा है। अरे कैसे नहीं जा रहे हाँ? जाएगा, तुम जो पंकज के लिए महसूस कर रही हो ना वो जाएगा, क्योंकि वो प्यार हो ही नहीं सकता। उस भूत को ना हम सब मिलकर अंदर से बाहर कर देंगे। सर की कसम खा, आज के बाद पंकज का मुंह कभी नहीं देखोगे, कसम। हाँ गीता, हमें डाइवोर्स चाहिए। इस जन्म में तो हम आपको डिवोर्स देने वाले नहीं हैं। अनमोल की कसम खाकर कहते हैं हम आपको डिवोर्स नहीं देंगे। क्या करोगी ऐसे आदमी से चिपके रहकर जो तुमसे प्यार ही नहीं करता है? हम ऐसे आदमी से नफरत करेंगे, चिपक कर नफरत करेंगे, जो आदमी हमारी प्रेगनेंसी की नाजुक घड़ी में हमारा साथ छोड़कर हमारी बहन के साथ सोए, ऐसे आदमी और ऐसी बहन को हम जिंदगी भर दर्द देंगे, लेकिन डिवोर्स हम देने से रहे। हम कल ही बेगूसराय जाके राकेश चाचा, चाची और निशा को साफ साफ बता देंगे, किसी ने हमारी बहन का घर तोड़ा तो हम एक एक को तोड़ देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, बताए देने। जतिन, गलती निशा की, जो हमारे चचेरे भाई राकेश की बेटियां है, है ना, तो हम राकेश और उसकी पत्नी मीना से इतनी अपेक्षा कर सकते हैं को निशा को पंकज से दूर रखे और कंट्रोल में रखे, बस। देखो जतिन, किसी से बदतमीजी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, हमने मीना से बात कर ली है। अम्मा बात तो गीता दीदी ने भी की थी उस निशा से, लेकिन फिर भी वो बेशरम लड़की पंकज जीजाजी के साथ लगी रही। गलती हमारी है बेटा, जो हमने निशा को गीता की देखभाल करने के लिए भेज दिया। निशा, तुम किसी की बातों में ना आना, हमें ऐसे इग्नोर ना करो, हम नहीं जी सकते तुम्हारे बिना। सॉरी पंकज, सबकी भलाई इसी में है कि हम एक दूसरे को भुला दें, बहुत ज्यादा प्रेशर है हम पर, हम सह नहीं पा रहे हैं, प्लीज भुला दो हमें। भुलाना तो हमसे ना हो पाएगा निशा, बस अब तुम तैयार हो जाओ, एक जिंदगी बर्बाद हो गई है और अब वो हमेशा के लिए दी एंड भी हो जाएगी, रेडी रहना।
आसान नहीं था इतनी सारी गोलियां पेट से वॉश आउट करना। यूं कह सकते हैं कि बाल बाल बची है इनकी जान। दीदी अनमोल की चिंता मत करो और जीजा जी भी ठीक हो जाएंगे। और हमारा पंकज का रिश्ता वो ठीक हो पाएगा? दीदी पूरी कोशिश करो लेकिन एक वक्त के बाद तुमको फैसला करना पड़ेगा और फैसला लेते वक्त अनमोल के बारे में भी जरूर सोचना। वो शांति से तुम्हारे साथ अकेले पले या फिर आंधी में तुम दोनों के साथ। हमारी तकदीर खराब है जो हम बच गए पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। हम अपने आप को खत्म करके ही रहेंगे। तुम नहीं तो लाइफ नहीं निशा। बस पंकज के बिना हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है पापा। वो हमसे प्यार करते थे लेकिन वो निशा तो मानो उन पर कोई जादू ही करती है लेकिन हम वो जादू तोड़ के रहेंगे। हम पंकज को अपना वापस बना के रहेंगे पापा फिर चाहे जो भी हो। पंकज हम भी तुमको उतना ही प्यार करते हैं जितना कि तुम पूरे दिल से। लेकिन हमें हमारा प्यार सिर्फ गीता से नहीं बल्कि सारी दुनिया से छुपाए रखना होगा। क्या तुम इसका ख्याल रख पाओगे? और फिर एक बार पंकज और निशा के बीच का रिश्ता रंग पकड़ने लगा पर यह अवैध संबंध गीता और दोनों तरफ के परिवार वालों से छुपकर बनता गया। पंकज और निशा अब ऐसे दो फूलों की तरह थे जिनका खिलना और महकना सिर्फ एक दूसरे को समझ आता। पंकज गीता को यह समझाने में सफल रहा कि उसने निशा के साथ रिश्ता पूरी तरह तोड़ दिया है। हाँ बेटा हम लोग नालंदा कार ड्राइव करके जाएंगे और वहां पे पिकनिक करेंगे और पिकनिक में बच्चों के साथ गेम खेलेंगे। यहाँ गीता एक तरफ ये समझ रही थी कि उसकी जिंदगी अब दोबारा पटरी पर आ गई थी पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि तीन बार उसकी जिंदगी पटरी से उतरते उतरते रह गई थी और अब चौथी बार क्या होने वाला था। सर जी इस बार फुल तैयारी है। हम तो दो और लोगों को बुला लिए हैं साथ में। जब पंकज सिन्हा और उसकी फैमिली नालंदा से घूमकर पटना लौट रहे होंगे उस वक्त कुछ अज्ञात लोग उन पर हमला करेंगे और उस हमले में गीता सिन्हा की मौत हो जाएगी लेकिन बाकियों को कुछ नहीं होगा। आई बात समझ में? देखिए सर जी गीता सिन्हा की मौत 100% होगी तय है लेकिन किसी और को चोट नहीं आया तो ये सब सच नहीं लगेगा। देखिए होना ऐसा चाहिए कि हमला हुआ और हमले में गीता सिन्हा मारी गई। हम ये बात पहले ही तय कर चुके हैं कि हमें जतिन और रमा को थोड़ी बहुत मार लगेगी और गीता को मरना होगा। इस बार गीता को मरना ही होगा। पंकज अपनी पत्नी को मारने की तीन नाकाम कोशिशों के बाद अब चौथी बार कोशिश करने जा रहा था। इस बार ऐसा प्लान रचा गया था जिसमें फेलियर की कोई गुंजाइश ना हो। एक फेल हुई शादी के बाद तीन तीन फेल हुए हत्या के अटेम्प्ट्स और ये सभी सिर्फ एक ही मकसद से किए जा रहे थे और वो मकसद था गीता के पति पंकज और गीता की चचेरी बहन निशा के बीच चल रहे अफेयर को शादी में तब्दील करना। क्या यह भयंकर साजिश कामयाब हो पाती? क्या पंकज इतना बड़ा जुर्म कर बच के निकल जाएगा? क्या निशा और पंकज की कभी शादी हो पाएगी? क्या पंकज जिंदगी में कभी भी अपने बेटे अनमोल से आंखें मिला पाएगा? कौन पास हुआ कौन फेल, क्या कामयाब रहा क्या नाकामयाब, ये बताने के लिए हम हाजिर होंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग के साथ। हम आपको याद दिला दें कि इस रविवार यानी कि 21 फरवरी की शाम को 7 बजे क्राइम पेट्रोल सतर्क प्रेजेंट्स का
तीसरा स्पेशल फीचर वर्चस्व दिखाया जाएगा। इस हॉस्पिटल में कुल मिलाकर 6 कैदी हैं इस वक्त। ये छठा कैदी कौन है जिसे आपने स्पेशल रूम दे रखा है? सर वो एक सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन है सर। उनकी एज लगभग 108 साल करीब बताते हैं। 108 साल? पिछली सदी में शुरू हुई इस गाथा को देखना मत भूलिएगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। आपसे मुलाकात होगी कल रात 11 बजे। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।